स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो हैं बीजेपी की ओर से नरेंद्र सिंह राणा, समाजवादी पार्टी की ओर से केसी जैन, कांग्रेस की ओर से देवेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कांत तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के स्टूडियो में। तो सबसे पहले देवेंद्र प्रताप सिंह आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों ही इस वक्त इस बयान के खिलाफ हैं। बवाल मचना बिल्कुल तय है, तो इस खबर पर पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। अक्षत भाई, निश्चित तौर पे पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक लंबी श्रृंखला बनती जा रही है जहरीले बोल बोलने के लिए। जिस तरीके से देश के राजनीति को प्रदूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, मैं उसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। अक्षय भाई, आप भी जानते हैं कि जो लोग इनके यहाँ गलत बयानबाजी करते हैं, विपक्ष को गाली देने का काम करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, उनकी डिग्री बढ़ाई जाती है। नहीं, ममता बनर्जी जो कर रहे हैं वो उन्माद नहीं फैला रही है, हिंदू बंगाल छोड़ रहा है, बल्कि उनका लोग वहां से भाग रहे हैं, जो है बारे में सुरेंद्र सिंह राणा ने कह दिया देते हैं, तो ये उन्माद नहीं, भारत सरकार में बना देते हैं, उनको प्रदेश में मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? से नवाजा जा रहा है देवेंद्र जी। अब 2019 का लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर कि जितनी ही कड़े शब्दों में निंदा किया जाए कम है, लेकिन तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा ही आज नहीं, गलत क्या कहा पहले, गलत को पहले आप गलत साबित तो कीजिए, ऐसे बयानबाजी दे करके गलत साबित तो कीजिए पहले, खुश करते हैं। और हो सकता है सुरेंद्र जी 2019 में लोकसभा बलिया से चाह रहे हो, या अभी अकेले ही बोलना है, कोई मंत्री पद का उनकी ख्वाहिश हो, इस तरीके से जो है ये बयान दिया गया, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए क्यों कर रहे हैं निंदा, और देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी के, अमित शाह के नेतृत्व में देश को कमजोर किया जा रहा है, हम समझते हैं। अरे देवेंद्र जी, आप अकेले बोले जा रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, मेरे सवाल पे ध्यान ही नहीं है आपका, आप मेरे सवाल पे ध्यान है आपका, बोलिए जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप गलत कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस वक्त जो दुर्दशा है बंगाल की, आप उसको सांप्रदायिक उन्माद का नाम नहीं देंगे? सुरेंद्र सिंह का बयान तो उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के जो स्टेटों में है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जरायम चरम पे है। अरे आप सांप्रदायिक उन्माद की बात कीजिए ना, ऊपर जो है कीचड़ उछालना, ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ल बन चुका है ये। अरे तो आप उन्माद की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद कौन सा फैल गया उत्तर प्रदेश में, किसने प्रदेश छोड़ दिया, कौन से मदरसे बंद हो गए, कौन से मंदिर बंद हो गए, कौन सी मस्जिदें बंद हो गई, अपराध है तो एनकाउंटर हो रहा है। जो देश की जनता से असल में, अक्षय भाई बात क्या है, चुनाव सर पे है, और इन्होंने देश की जनता के जनादेश का जिस तरीके से अपमान किया है, चाहे 2014 में देश की जनता से जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया, या उत्तर प्रदेश की जनता में 73 सांसद देने वाली, इन्होंने जो नहीं, आप मुद्दे का जवाब दे नहीं रहे, चार साल हो गया, बात को घुमा रहे हैं आप, मुद्दे की बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चार साल का बच्चा जी पैदा होकर के, चार साल का बड़ा होकर स्कूल में जाने लगता है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसी तरीके से देश की जनता को अपने भ्रम जाल में पैदा करके, और हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक उन्माद जो है पैदा करके, ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो शायद अब होने वाला नहीं है। आपसे छिपी, हमसे छिपी, उत्तर प्रदेश की जनता क्या हो रहा, पश्चिम बंगाल गोरखपुर में और फूलपुर में उनको शिकस्त दिया है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आपसे छिपा है, हमसे छिपा है, डर हो गया है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता हमें करारा जवाब देने वाली है। ठीक है, जवाब नहीं देंगे, केसी जैन साहब, इसलिए जो है इस गलत क्या कह दिया हमें, ये बताइए, गलत को गलत साबित करके देश की जनता, शब्द बुरे लगे, पंक्तियां बुरी लगी, कहने का तरीका गलत था, निशाना जिस पे साधा वो गलत लगा, गलत क्यों है, गलत ये बताइए, क्या गलत कहा अगर ममता बनर्जी पर निशाना साधा? लोग